गवर्नमेंट ने एक डेट की एक्सटेंशन दी है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। मैंने यहाँ जीएसटी पोर्टल ओपन किया है, 14 दिसंबर को एक एडवाइजरी आई है, इसी में डेट एक्सटेंशन है और एक नोटिफिकेशन भी रिलीज करी गई है नंबर 25। अब नोटिफिकेशन तो आ रही है 14 दिसंबर को हमारे पास, और आप देखिए इसमें डेट क्या है, एक्सटेंडेड डेट शायद आपके लिए रिलीवेंट ही नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन नंबर 25 ने बोला कि हम जीएसटी 1 की डेट एक्सटेंड कर रहे हैं 13 दिसंबर कर रहे हैं। 14 दिसंबर को बताया जा रहा है कि डेट एक्सटेंड करके 13 तारीख कर रहे हैं। रिलीवेंस कम होगी आपके लिए, बस ये कि लेट फी पे थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, और वो भी सभी के लिए ये डेट एक्सटेंशन नहीं हुई है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में ये डेट एक्सटेंड हुई है। ठीक है, तो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है जिनकी नवंबर मंथ की रिटर्न दिसंबर 11 को जानी थी, वो 13 तारीख तक फाइल कर सकते हैं इन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। मैं नाम नहीं पढ़ रही हूँ, आप यहाँ से देख लीजिए, जीएसटी पोर्टल से आपको मिल जाएगा, ये तमिलनाडु के स्टेट्स हैं, इसीलिए इनकी डेट एक्सटेंड कर दी गई इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स की टिल 13 दिसंबर। एंड बिकॉज द नोटिफिकेशन फॉर एक्सटेंशन हैज बीन इशूड यस्टरडे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ नॉर्मल पीरियड दैट इज 11 दिसंबर, द क्रेडिट ऑफ इनवॉइस इज कवर्ड इन द रिटर्न पर्टेनिंग टू जीएसटी ऑफ अफोरसेड डिस्ट्रिक्ट फिल ड्यूरिंग 12 टू 13 विल नॉट बी ऑटो पॉपुलेटेड इन 2B। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपके जीएसटी 2B में कौन से रिकॉर्ड्स आते हैं मंथली वालों के, जिन्होंने 11 तारीख तक अपनी जीएसटी 1 डाल दी होती है। अब ये डेट एक्सटेंशन 11 तारीख के बाद इन्होंने करी, इसीलिए जीएसटीएन के लिए पॉसिबल नहीं हुआ कि 2B में 13 तारीख वाला इनका डेटा दिखा दे। तो आपको एक रिलैक्सेशन दी है, अगर आपने ऐसे स्टेट से में हो, आप यहाँ पे उनसे परचेज करी है, तो आपका जो क्रेडिट है वो आप इस महीने का ले सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 2A। तो बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगर ऐसे मिसमैच आते हैं, ऐसे नोटिफिकेशन आ जाते हैं, ऐसे एडवाइजरी आ जाते हैं, तो आपको रिकंसिलेशन वगैरह पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि डेट तो आई है बट इतनी रिलीवेंट नहीं लग रही है, क्योंकि लेट दी गई है डेट एक्सटेंशन, 13 तारीख तक की ही एक्सटेंशन दी, 14 तारीख को पता चल रहा है। अब आप बताइए कि क्या ये आपके लिए रिलीवेंट है या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप इस पर एक्शन ले चुके होंगे जैसे 1 पे जो आपने भरनी थी, अगर पेंडिंग कर रखी है तो एटलीस्ट 2 दिन का लेट फी का इम्पैक्ट आ जाएगा, और 3B भरते हुए 2A के बेसिस पे इन स्टेट्स का अगर क्रेडिट है तो ले लेना, क्योंकि वो आपके 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये थी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। आपको अच्छी लगी है तो आप इसको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मोबाइल तो आपके हाथ में है ही, जल्दी से सर्च करिए अपने ब्राउजर पे studyvari.com, या हमारे कोर्सेज सेक्शन में हमारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज एक्टिव है। जैसे कि रिकंसिलेशन की बात करूँ, जो आपके लिए मेजर नीडेड है, क्योंकि अभी 99C का भी टाइम है और रिकंसिलेशन आप हर महीने करते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। पॉकेट फ्रेंडली हमारा कोर्स है, इसे लीजिए। 99C अभी आपका 31 दिसंबर तक ड्यू है, ये हमारा सेशन अवेलेबल है, इसका बेनिफिट लीजिए। TDS एंड TCS का प्रैक्टिकल कोर्स है, TDS ऑन प्रॉपर्टी, 3B सीखना है अगर आपको जीएसटी 2B के रिकंसिलेशन के साथ, तो वो कोर्स भी अवेलेबल है। MSME रजिस्ट्रेशन, GST, इनकम टैक्स, मेगा कॉम्बो, प्रैक्टिकल कॉम्बो एंड इनकम टैक्स और GST के अलग से सेपरेट कोर्स, और ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट। तो हमारे जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं उनका बेनिफिट लीजिए, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, किसी भी क्वेरी के केस में आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।